ਸਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਈਆ ਗਿਆ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ पिछे ना पे मेरा 50,000 लेके भज गया लै और मुन्ना घबराओ नहीं चाचा विधायक बनने जा रहे हैं तुम्हारे हाँ एक मिनट हाँ, अरे घबराओ नहीं किसी का भी गला काट देना कुछ भी कर देना अरे स्मैक बेचना तुमका करवा देंगे अब पंजाब में बहुत बिकता है हाँ तुम्हारा खोखा खुलवा देंगे ठेला लगवा देंगे तुम्हारा अरे चाचा विधायक बनने जा रहे हैं तुम्हारे मुन्ना काहे घबरा रहे हो हाँ टेंशन मत लो अबे गला काट देना किसी का भी कोई बात नहीं हाँ फोन रख रहे हैं हम हाँ अम्मा का हमारा प्रणाम बोलना हाँ हाँ ये छोटू भी बोल रहा है हाँ हमारी साथी है ठीक है फोन रखते हैं अभी जय श्री राम ठीक है जय श्री राम ठीक है किसी का फोन नहीं अभी उठाना मत बोले विधायक जी बिजी है ठीक है चलो आ जाओ अरे सभी को हमारी तरफ से राम राम पहचाने हमका हम राजू बिहारी केड़ा राजू बिहारी पहचाने नहीं एक मिनट अब बताते हैं इन सरदार का हमने भैंस बेच दिया था तुमको हल बेचा था पर मिला नहीं अरे हम वही राजू बिहारी हैं पहचाने पैसा देनी बिहार से यहाँ आए हैं टेंशन मत लो अरे नोट कर पैसा नोट कर इनका इब करा हुआ नोट में करा हुआ ना एक 50,000 तुम्हारा देना है तुम्हारी भैंस देनी है एक पंप देना है अरे अब हम चुनाव में खड़े हो गए हैं टेंशन मत लो बिल्कुल भी हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो हमका वोट दो हम जीतेंगे समझे हम फिर देखते हैं हम का करते हैं एक बार हमको वोट तो देना बस सीरियस नहीं होने का टेंशन मत लो तू किधर खड़ गया तनु कि टिकट दे सी लै हूँ बिहारी नु भी टिकट मिलन लग गई अरे हम दिल्ली जनता पार्टी से खड़े हैं मोदी जी की पार्टी हमारे प्यारे मोदी जी की जय हो मोदी जी की तरफ से खड़े हैं हम हाँ हमको वोट दीजिए हम पंजाब को नरक बना देंगे ना सॉरी जन्नत बना देंगे जन्नत माँ भारत को पूरे पंजाब को तो पंजाब ने जन्नत बादशाह बनाई पहला मेरा 50,000 मोड़ है ना मोड़ अरे सरदार जी काहे टेंशन ले रहे हो बस एक बार हम चुनाव जीत जाएं आपकी कृपा से तो आपके पैसे भी दे देंगे इनकी भैंस का पैसा भी दे देंगे काहे टेंशन ले रहे हो आप चल तू आ गल छू तो बिहार भाग गया था उत्थे करया की है नाले तू फिर मुड़े आया नाले तेनू टिकट किवें मिल गई बताते हैं पूरी बात बताएंगे तुमको कैसे हमका टिकट मिला क्या क्या हमारे साथ हुआ हम सब कुछ बताएंगे क्यों हम पंजाब वापस आए हैं ठीक है आओ थक गए होगे तुम वहां बैठो हम बताते हैं तुम बैठो तुम लोग आ जाओ या इधर ही जाओ हम बताते हैं किसान भाइयों को हम सब कुछ बताएंगे हाँ की स्टोरी है तेरी हम अपने सरदार का सारा सामान बेचकर पंजाब से बिहार भाग गए बिहार में जाकर हमने बीड़ी जर्दे का खोखा खोल दिया और दूसरा शादी कर दिया अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा शादी काहे किया हमारी जो मीना थी घरवाली उसने भी दूसरा शादी कर लिया हमारी मौसी के लड़के के साथ और फिर इसलिए हमने भी दूसरा शादी कर लिए मगर हमारा दूसरा शादी सिर्फ 4 ही दिन चला चार दिन इसलिए चला क्योंकि हमें बेचने का बहुत शौक है अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हमने अपना घरवाली ही बेच दी है अरे ये बात ना ही है हम दलाल नहीं हूँ पूरी बात बताते हैं पूरी बात सुनो पहले दिन शादी हुए दूसरे दिन सुहागरात हुए तीसरे दिन हमने दहेज का सारा सामान ही बेच दिया और चौथे दिन बिहार से भागकर हम पंजाब आ गए जब हम पंजाब आ रहे थे ना तो ट्रेन में हमें मोदी जी मिल गए मोदी जी हमसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो तो हमने मोदी जी से कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं तो मोदी जी हमसे फिर पूछे कि पंजाब काहे जा रहे हो तो मोदी जी से हमने कहा
कि हमें जो दहेज में सामान मिला था वो हमने सारे का सारा बेच दिया, अब ससुराल वाले पकड़ कर हमका मारेंगे, तो इसलिए हम पंजाब जा रहे हैं। तेरे ऐसी दहेज ते ब्याह दी स्टोरी नहीं सुननी, तू ऐ दस भी तेनू टिकट किवें मिली। ते बता रहे हैं भैया जी, बता रहे हैं, मोदी जी ने हमारे पैर पकड़ लिए। हमने मोदी जी का, मोदी जी ये क्या कर रहे हो? तो मोदी जी बोले, हमें ऐसे ही तेजस्वी लोगों की जरूरत है जो बेचने का शौक रखते हैं। मोदी जी का ऊ का है? मोदी जी बोले, हमें देश बेचना है, इसलिए मोदी जी ने हमें कहा कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, और मोदी जी ने हमें ट्रेन में ही चुनाव का टिकट दे दिए। हमारी आप सबसे विनती है कि वोट हमको दे, हम गारंटी देते हैं कि पंजाब को नरक बना देंगे, घर में राशन हो ना हो नशा घर घर पहुंचा देंगे, रोजगार देंगे स्मैक बेचने का, अगर आप हमें वोट देंगे तो हम देश बेच देंगे, हिंदू सिख मुस्लिम को मिलकर नहीं रहने देंगे, हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, किसानों को, किसानों की तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। अच्छा, थोड़े तो बहुत बढ़िया विचार ने, असीं थोनूं वोट देवांगे, फिर थोड़ी पार्टी साडे किसानां लई की करूगी? किसानों को काम करने की खेतों में कोई जरूरत नहीं है, जहां मर्जी घूमो फिरो कोई बात नहीं, ऐसे जिंदगी जो आपकी जमीनें सारी बिकवा देंगे हम, जब देश बेच रहे हैं तो आपकी जमीनें क्या धरती और कोई धरती से, आज सारी की सारी जमीनें बेच देंगे, ठीक है, हमको ही वोट दीजिएगा। चल ठीक है राजू बिहारी, साड़ी वोट तेरे के नहीं आऊंगा, पर साडे पैसे मिल जाएंगे। अरे 50,000 देना है ना तुम्हारा? अरे हम तुमको लाख देंगे लाख, पर वोट हमें ही डालना, सबको बता दो, ठीक है? ठीक है ठीक है, हाँ चलो अब हम चलते हैं, ठीक है भाइयों, सबको जरा हमको जिताना है, ठीक है हम चलते हैं, ठीक है चलो भाई, चल भाई चल 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 और कहीं भी जाना है हम लोग। मोने राजू बहरी ने वोट पाइए ना पाइए? पावांगे यार, अपन को काम करने की लोड़ नहीं, घूमेंगे फिरेंगे, मैं हूं बापू जाके कहना अपने राजू बहरी ने वोट पा दी, चलिए फिर। सत श्री अकाल जी, अजकल अपने देश के विच आही कुछ हो रहा, जड़े लीडर देश नूं बर्बाद करना चाहते ने, धर्म के नाँ ते वोट मंगते ने, नौजवानों नूं रोज़गार की बजाय उन्हां नूं नशा देंदे ने, चिट्टा देंदे ने, किसानों नूं रोड़ां ते रुलण लई मजबूर करते ने, अज असीं उन्हां दी सपोर्ट करते, उन्हां नूं ही वोट करते।